उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भू माफियाओं पर आए दिन कड़ी कार्रवाई की जा रही है, फिर भी भू माफिया के हौसले बुलंद हैं। इस तरह का एक मामला ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम कमालपुर से सामने आया है, जिसमें हाईवे पर ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन पर दबंगों भू माफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा था। ग्राम प्रधान की शिकायत पर नायब तहसीलदार निर्भय कुमार शाही के नेतृत्व में राजस्व टीम फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और मौके पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा कर गिरवाया। ग्राम प्रधान के पुत्र अल्ताफ ने बताया कि 2 सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थे, जिस पर लेखपाल संदीप कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। इस पर दबंग भूमाफिया काफी समय से कब्जा करने की तलाश में थे। चांदपुर तहसील की राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को गिरवाया तथा निर्माण कर रहे लोगों को चेतावनी दी गई। ग्राम समाज की जमीन थी, उस पर कुछ लोग कब्जा कर रहे थे, मंसूर और सोनू, जो लेखपाल संदीप कुमार की मिलीभगत है। उस पर मैंने लगभग 20 दिन पहले शिकायत भी दर्ज कराई थी IGRS पे, और SDM साहब को भी बताया था, और आज उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया था। और इसके अनुसार SDM साहब ने आज उन्हें भेजा था, नायब तहसीलदार साहब को भेजा था, उन्होंने जाकर मौके पर निर्माण हटवा दिया। ये प्रकरण हमें आज सुबह पता चला था कि यहाँ वहाँ पे पथवारे की जो भूमि है कमालपुर में, वहाँ पे अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने अपने लेखपाल को भेज करके वहाँ जांच कराई, और जांच कराने के पश्चात उसके बाद फिर हमारी टीम गई और उसका हमने कब्जे को हटवा दिया और उसका निस्तारण कर दिया उस शिकायत का।